जबरदस्त। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। और हम इसको एक काम करते हैं, पहले तो हम जरा इसी को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, हम इसी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ साइट, यहां पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस सवाल का प्रोसीजर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसके रिस्क फैक्टर और रिस्क को लिख रहे हैं, ताकि हम जरा इसको प्रैक्टिस कर लें मिलके। उसके बाद फिर हम प्रोसीजर की तरफ भी आएंगे बाद में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग विच इज, कहाँ से स्टार्ट करना जी बताएं आप मुझे। इसमें लिखने नहीं है प्रोसीजर्स, लेकिन मैं इसके बावजूद भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग। मुझे बताइए आप लोगों में से किसी ने लिखा है, कोई रिस्क प्रॉपर बनाया है रिस्क फैक्टर के साथ जोड़ के? सर फॉरेक्स वाला, फॉरेक्स, फॉरेक्स वाला। ठीक है जी, फॉरेन करेंसी, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसमें मुझे बताएं कि क्या है आपका, इसको जरा हम क्लोज छोटा भी कर लेता कि इसकी जरूरत नहीं है, ये मेन हमारा है एरिया। अच्छा, इसमें मुझे बताया कि हमने क्या, हम दो बातें हैं, इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है। ठीक है, ये दोनों बातें हम यहाँ से उठा के ले लेते हैं। और इसको जरा हम ठीक हो गया जी, ये दो बातें हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ पॉलिस्टर और इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन, एक्सपोर्ट ऑफ पॉलिस्टर, ये बातें हैं। और रिस्क ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एरर, ये बेसिकली आपका इसका रिस्क आता है। या फिर अगर आप उसको और देयर इज अ रिस्क दैट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, एक मिनट सर में, रिस्क दैट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस, आपको आपने ट्रांजेक्शन की बात भी की और आपने बैलेंसेस की बात की, और उसमें आपने बताया कि उसमें हो सकता है कि एरर हो बिकॉज ऑफ यू नो फ्रीक्वेंट चेंजेस और या फ्लक्चुएशन मे हैव एरर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस। ठीक है जी, ये आपने एक बात कर दी फॉरेन करेंसी की। नाउ सर इसमें सर इस ये जो हमने रिस्क बनाया है, इसमें स्पेसिफिकली हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर और सप्लायर्स की वैल्यूज या फिगर्स आ रही होंगी, यानी अगर हम अक्रूवल पे कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज भी तो चेंज। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने इसको बैलेंसेस के वर्ड में कवर किया, आप इसको स्पेसिफिकली कर सकते हैं। सही है, यस सर, गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो शुरू वाला पार्ट था, जो डेफर टैक्स वाला, डेफर टैक्स वाले में हम करें इसको, डेफर टैक्स जो आसान वाले जरा वो कर लेते हैं। सर ये हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की जब बात करते हैं कि वो उसमें हो सकती है कोई मिसस्टेटमेंट, तो उसका यानी फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करने का सही तरीके का क्या है कि जिस डेट पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस डेट पर जो क्या कहते हैं यूएस डॉलर का जो भी रेट है वो हम अप्लाई करें? जी हाँ ऐसे ही होता है कि जिस डेट का आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है उस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। और जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, जो मॉनेटरी एसेट्स होते हैं वो आपके जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंसेस हैं, ठीक है, वो आपने पे करना, पेएबल है वो, पेएबल तो जब ही वो आपके पीरियड एंड के ऊपर आपका री ट्रांसलेट हो रहा होता है। ठीक है, और जो आपकी ट्रांजेक्शन है फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की है या आपने कोई चीज़ परचेज की है, तो वो जो ट्रांजेक्शन जो डेबिट साइड है वो आपकी उसी डेट के ऊपर रिकॉर्ड होती है जिस डेट के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन की होती है, या वो जो यू नो फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में वो आती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, स्टफ लाइक दैट, कंट्रोल ट्रांसफर होता है, सॉरी IFRS 15, करेक्ट? ठीक है सर, चलें जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं डेफर टैक्स एसेट के ऊपर आप क्या करेंगे, इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसका रिस्क फैक्टर क्या है और रिस्क क्या है?
अच्छा, डिफर्ड टैक्स एसेट में जो रिस्क फैक्टर है उसमें दो बातें आ रही हैं। एक बात तो ये आ रहा है कि रिस्क रुपीज 1.2 बिलियन का है, ठीक है। आप जब भी किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, बात करेंगे, तो आप नंबर से बात करेंगे ना। रुपीज 2.2 बिलियन का डिफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है एज एट ईयर एंड, ठीक है। और इसके साथ कोई और चीज जुड़ती है तो क्या देखो, हमारा रिस्क क्या है? रिस्क हमारा बड़ा सिंपल है। रिस्क हमारा ये है, रिस्क दैट फॉर एग्जाम्पल DTA might not be recoverable as sufficient taxable profits may not be available, ठीक है। Sufficient taxable profit. तो हमारे पास अगर हम एज एन एंटिटी देखें तो हमारे पास 300 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। लास्ट पांच साल से लॉस आ रहा है, वो आ रहा है पॉलिस्टर बिजनेस का, ठीक है। बट ये डेफर टैक्स एसेट तो एंटिटी वाइड देखा जाएगा ना, तो उसके लिए हमारे पास 300 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है। पर 300 मिलियन का प्रॉफिट भी अगर अगले पांच साल 300 मिलियन भी रहा, लेट सपोज 300 मिलियन भी रहा, तो भी वो काफी नहीं है 1.2 बिलियन के डेफर टैक्स एसेट को एडजस्ट करने के लिए, सही है। यानी आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी तो परसेंटेज होती है ना प्रॉफिट का, तो एंड आप इसमें ये बात जरूर डालेंगे कि आपके पास 300 मिलियन का प्रॉफिट तो आ रहा है, बट ये काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए इन द फ्यूचर, इसीलिए DTA माइट नॉट बी रिकवरेबल। ये बात समझ आती है? तो आपने अपनी बात को देखो, अपनी मर्जी के फैक्ट्स नहीं उठाने हैं, लेकिन लॉजिकली उठाने, ठीक है ना। ये पांच साल वाला लॉस वाला जो पॉइंट है, ये सही फैक्ट नहीं है जो आप उठा रहे हैं। आपको कंपनी की जो बॉटम लाइन है ना, वहीं से बात करनी पड़ेगी। वाइल मीगर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300 मिलियन, वाइल ठीक है, और उसके बाद जुमला आगे जोड़ रहा है, रिस्क दैट देयर इज अ रिस्क दैट डेफर्ड टैक्स एसेट मेट बी, ठीक है। यहाँ पे ये दो पॉइंट हमने दो पॉइंट लिए, यहाँ पर भी हमने दो पॉइंट्स लिए हैं एक तरह से, ठीक है। एक हमने ये वाला पॉइंट लिया है प्रॉफिट वाला, और ये हमने ये वाला पॉइंट लिया डेफर्ड टैक्स एसेट वाला, ठीक है। हालांकि आप सोल्यूशन में देखेंगे वहां पे आई कैप के, तो वहां पे आपको ये नजर नहीं आएगा प्रॉफिट वाली बात, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये जो आर्ग्यूमेंट बिल्डअप हो रहा है वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे बिल्डअप हो रहा है ना, इसीलिए। हमूद का एक सवाल है, हमूद सवाल पूछ ले। जी सर, कुछ लोगों ने इसमें रिस्क बनाया है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, तो क्या ये चीज ठीक होगी? रिस्क फैक्टर बनाया? नहीं सर, रिस्क बनाया है, जैसे आई गेस ये मैं सोचना है, उन्होंने ये लिखा है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन माइट नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। इन दिस पर्टिकुलर केस रिस्क यहाँ पे ये है जो कि ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैलकुलेशन जो है ना वो देखें, जजमेंट जहां पे आती है ना, तो जजमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन माइट बी अ रिस्क, बट इट्स नॉट दैट ऑफ अ रिस्क, इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट ऑफ अ रिस्क, या जिसको हम वर्थ वाइल करें यहाँ पे, तो दिस इज नॉट अ रिस्क जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। टेक्निकली इट इज अ रिस्क, टेक्निकली यस इट इज अ रिस्क, बट आपको देखना पड़ता है ना कि इस एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में कितने कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे कोई बड़ा या सिग्निफिकेंट या वाइडर रिस्क आ रहा है नहीं आ रहा है, विच इन माई ओपिनियन इज द जजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिकवरेबिलिटी ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट। सर, इसके साथ एक चीज मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकती है ये लेने के लिए, टैक्स का जो डेफर टैक्स लेने के लिए, उसका इनपुट लेने के लिए, ऐसा पॉसिबल है या ऐसे गलत चीज है ये क्लिक हो रही है ऐसा? डिफर टैक्स एसेट को लेने के लिए मैनेजमेंट प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकती है, जिसका जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आपके टैक्सेबल प्रॉफिट पे भी कर तो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, कर सकती है। बट स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, ये रिलेटेबल पॉसिबल है मैनेजमेंट की इंटेंशन पे जाना?
अच्छा ये वाली बात जो है ना, अब यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी हमारे पास हम जो गोइंग कंसर्न वाला बताएंगे ना, तो उसके हम बता सकते हैं कि वहाँ पे कंपनी के अंदर वैसे ही बड़े मसाइल हैं, तो हम वहाँ पे बताएंगे कि भाई वो जो मसले मसाइल हैं वैसे ही प्रेशर मौजूद है फाइनेंसिंग लेने के लिए, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करेगी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसा तो ये चीजें, और कंपनी देखो अब इस इशू को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारा एसेट आ रहा है ना, इस एसेट की रिकवरेबिलिटी भी डाउटफुल है, पहली बात तो ये जो हमने बात कर दी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगी टू रिकवर दिस एसेट, मोर देन दैट प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगी टू टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग टू डू मोर स्टफ, तो ये एक लाइक्लीहुड है, बट उसको हम यूज करेंगे प्रॉफिट के ओवर स्टेटमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ यू नो सिक्योरिंग फाइनेंसिंग या इस तरह के जो एरियाज हैं जहां पे वहां पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बट या आई थिंक डिफर्ड टैक्स एसेट को भी, बट इसमें एक इशू ये होता है कि यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है, तो ये इतना आसान भी नहीं होता, यानी क्योंकि एक और अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट फॉर दैट आपको टैक्स अथॉरिटीज को भी मुंह देना पड़ेगा, आपको ऑडिटर्स को भी मुंह देना पड़ेगा, तो ये जनरली जो है ना, ये इस तरह से हो नहीं रहा होता। हेलो, यस सर, गॉट इट, ठीक है, बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, ऐसा यू नो ऐसा पॉसिबल। बट सर मीनवाइल अगर हम देखें तो उसको फाइनेंसिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी माइट गेट द प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, तो वो वाला पॉइंट देखना जरूर है, ये पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते हैं, लिखेंगे हम जरूर। जी सर, ओके, सही है, ये पॉसिबल है, ओके सर, थैंक्स। अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था कि इस एसेट को रिकवर करने के लिए प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना, जस्ट थिंकिंग कि व्हाई, एक एक आवाज आ रही है, हाँ, एक एक कंपनी बोलती है कि मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊंगी ताकि मेरे पास जो मौजूद एसेट है उसको मैं रिकवर कर सकूं, हालांकि अगर वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी तो मैनिपुलेट कर रही है टू रिकवर एन एसेट, और तो अगर वो चीज उसको वैसे ही पे नहीं कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट लेट सपोज का 100 मिलियन होना चाहिए था और उसने कहा कि मैं 200 मिलियन कर देती हूँ टू रिकवर दिस एसेट, ठीक है, तो जाहिर है उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जब टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो उससे वो रिकवर कर रहा है एसेट, तो एक गलत काम ये कर रहा है और दूसरा इसको सही करने के लिए, यानी इसको रिकवर करने के लिए, लेकिन ये जो रिकवरी वो करना चाह रहा है जिसके अगेंस्ट में, वो तो ऑलरेडी उसकी ऑब्लिगेशन ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस, वो तो उसने अपनी वो बेसिकली उसने ऑब्लिगेशन क्रिएट करके जस्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों करेगा वो? लेकिन सर रेवेन्यू इंक्रीज तो ऑलरेडी अगले दोनों स्नैरी फार्मास्यूटिकल और फर्टिलाइजर में वैसे ही डिफिकल्टीज, एक में हमारा सप्लायर प्राइस इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, और दूसरा फर्टिलाइजर्स के केस में गवर्नमेंट हमें प्राइस रिडक्शन में कह रही है, तो प्रॉफिट इंक्रीज के तो वैसे ही मेरा लिमिट लगी हुई है रेवेन्यू रिडक्शन की वजह से। हाँ, बट वो ये बात कह रहे थे, हम वो ये बात कह रहे थे कि मैनिपुलेट करके प्रॉफिट बढ़ाते हैं, जस्ट ट्राइंग टू थिंक एंड मेक सेंस ऑफ दिस, कि अगर एक आदमी 100 मिलियन का प्रॉफिट उसका है एक्चुअल है, ठीक है ना, असर वाला है, ठीक है, और वो कहता है यार मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकवर करने के लिए जो मेरे पास पड़ा हुआ है मैं इसको 100 की जगह 200 करता हूँ, किसी भी तरीके से मैंने मैनिपुलेशन की, ठीक है ना, तो 200 का टैक्सेबल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जब वो बढ़ेगी तो उसको मैं एडजस्ट करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट से, तो ये बात अजीब सी है कि इंस्टेड ऑफ दैट आसान तरीका ये है कि आप उस डेफर्ड टैक्स एसेट का लॉस बुक कर लें, ठीक है, तो वो ज्यादा आपको फायदा देगा, ऐसा मतलब यू नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir, completely understand that will not ये, be logical. ये logical नहीं लग रहा, ये logical नहीं है, इसीलिए भी नहीं लिखा जाएगा, आप समझ रहे हैं, इसका लॉस बुक करना ज्यादा बेहतर है जिससे आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर स्टफ।
सो या आगे बढ़े अब बताएं एनी मोर रिस्क impairment of sir assets या जो capital work in progress आ रहा है उसमें impairment of asset या capital work in progress क्या हम ये going concern वाले point को जरा पहले ना देख लें उसमें बहुत सारे points आ रहे हैं cover हो जाएंगे वहाँ ठीक है going concern वाले point को जरा पहले देख लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहता है हमसे अच्छा जी company जो है वो हमारे मसले मसाइल अच्छा हमारा जो going concern का risk होता है ना वो हमेशा ये होता है कि inappropriate disclosure या inadequate disclosure ठीक है ना ये हमारा होता है risk और उसके पीछे बहुत सारे मसले मसाइल हो गए हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं ठीक है going concern ठीक है आप ये कह सकते हैं स्टार्ट कर सकते कंपनी जो फेस कर रही है मल्टीपल इश्यूज ठीक है कंपनी इज फेसिंग going concern इश्यूज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स जो के हमारे सामने आ रहे हैं द कंपनी इज फेसिंग जीसी इश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ठीक है पहली बात तो ये है कि हमारे पास गैस नहीं आ रही है अवेलेबिलिटी ऑफ गैस ये मसला पहला है ठीक है दूसरा मसला क्या है अभी और बताएं अब सारे मसले निकाल रहे उसमें से नीचे जा रहे हैं हमारे पास क्रेडिटर डेज हमारे आ रहे हैं ये आ गया जी और क्या मसला है जी लॉस मेकिंग सेगमेंट है हमारे पास लॉस इन पॉलिस्टर बिजनेस लास्ट 5 years ये एक मसला है Delay in financing is an issue. That's also an issue. ठीक है. Pressure to reduce increase in cost. Pressure on margin. Pressure. लिख क्यों रहे हैं मैं आराम नहीं करता भी है. इसमें point number 11 ही डालते हैं हम. हम ये सारी बातें जो हमारे मार्जिन के ऊपर हैं डाल देते हैं तो ये सारी बातें हमारे पास आ रही हैं ये इश्यूज हैं सारे ठीक है जी एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिस्क है रिस्क दैट द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न ठीक है ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है ठीक है और मे नॉट बी डिस्क्लोज एडिक्वेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ठीक है और ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास अगर बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वो ये वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा लिख देते हैं ठीक है ना ये सारी बातें उठा देते हैं वहां से हमारे ठीक है बहुत सारी बातें उठा लेते हैं वो वहां से हमारे क्वेश्चन पेपर से लेकिन उसको फिर इवेंचुअली डिस्क्लोजर से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते तो ये एक बड़ा मसला है कि आपको इसको इसको कनेक्ट करना होता है ठीक है अच्छा अब इसी से रिलेटेड हमारे पास और मसाइल भी पैदा हो रहे हैं हमारे सिर्फ डिस्क्लोजर के मसाइल नहीं है कि सारे इशूज हैं उसका डिस्क्लोजर नहीं हो रहा सही इसके साथ साथ और मसाइल भी पैदा हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है ठीक है तो ये एक और रिस्क है हमारा फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल एफएस लेवल के ऊपर ठीक है इसमें हम क्या लिखेंगे इसमें हम कैसे लिखेंगे इसमें हम किस बेसिस के ऊपर अब हमने यहाँ पे जितने भी इस्तेमाल कर लिए ना वो सारे हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं दिस इज यूज्ड This is used. This is also used. ये सारे use हो गए Major dependence को भी हम लिख देते हैं major dependence. अब ये हुआ कि विनी risk से और भी risk और risk factor से और भी risk निकलेंगे
ठीक है। तो अब हम ये बात करते हैं कि ओवरऑल एफएस लेवल के ऊपर जो रिस्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो ये है, रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, प्रॉफिट्स की रेवेन्यू ड्रेसिंग क्यों करना चाहेगा, मैनिपुलेशन क्यों करेंगे, इसकी बुनियादी वजह क्या है, फाइनेंसिंग, कंपनी इज सीकिंग फाइनेंसिंग, ठीक है और उसके लिए टू फंड इट्स कैपेक्स, ठीक है, और इसका रिस्क दैट इसमें हमारे पास मैनेजमेंट माइट मैनिपुलेट एफएस, ठीक है, और या फिर इट माइट ओवरस्टेट प्रॉफिट्स, माइट दैट इट माइट मैनिपुलेट प्रॉफिट्स और ओवरस्टेट प्रॉफिट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और की लिक्विडिटी रेशियो, सिर्फ ये नहीं है क्योंकि रेशियोज को भी वो मैनिपुलेट करना चाहेंगे जिसमें वो डेट नेट एसेट्स वगैरह तमाम तो चीजें आ सकती हैं, ये हमने यहाँ पे डाल दी बात, ठीक है जी। इसके अलावा अगली बात क्या है जी, इसके अलावा जो हमारे पास जो मसले मसाइल आ रहे हैं ना उनसे रिलेटेड बाकी और अजर्शन लेवल के ऊपर भी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पर इम्पैक्ट आ रहा है इन्वेंट्री के ऊपर या प्लांट के ऊपर, ऐसे कोई इम्पैक्ट आ रहा है इन्वेंट्री पे, कोई इम्पैक्ट आ रहा है इन्वेंट्री पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे बताएं एनीबॉडी कैसे आ रहा है, कौन से पॉइंट से आ रहा है सर? एक तो हमारा वो उसमें मेजर सप्लायर भी था ना जेनिक्स, और उसके साथ हमारे प्रॉब्लम भी चल रहे थे रिन्यूअल के भी, और हमारे पास रिप्लेसमेंट में कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पड़ा था कि हम उसको रिप्लेस कर सकें, तो ये इंडिकेशन तो पॉसिबल ही है कि इससे हो सकता है हमारा रिस्क। सही है, लेकिन जो प्राइसेस रिडक्शन हो रही है ना, जो इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो हम एनआरवी के रेफरेंस से भी हम देख सकते हैं इसको, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाह रही है प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर बिजनेस, ठीक है, और जाहिर है पॉसिबल है कि हमारी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाए हमारी एनआरवी से, क्योंकि हमारी प्राइसेस जो है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाह रही है। सो यहाँ पे आ सकता है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट प्रेशर टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर बिजनेस, ठीक है, ये एक बात है जो पॉसिबल है, और इसमें हम डाल सकते हैं रिस्क दैट इन्वेंट्री वैल्यूएशन माइट नॉट बी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट बन सकता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, जहां यहाँ पे हतमन कोशिश करें कि अपने रूल जो है ना आईएफआरएस के रूल्स उसको तरीके से डिफाइन करें, ठीक है, जहां पर भी पॉसिबल हो सकता है वहां पर आप उसको करें हतमन करें। तो ये बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है आपकी जो फर्टिलाइजर की मे नॉट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड ऑन एनआरवी, तो ये बात अब शहबाज इसमें फर्क है, ठीक है, मे नॉट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड ऑन एनआरवी का मतलब यह है कि एनआरवी में होना चाहिए और शायद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हो, हालांकि हमें नहीं पता कि एनआरवी पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हो सकता है कॉस्ट पे भी सही हो, ठीक है, बट इट मे नॉट बी एट द लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट, ये बात ज्यादा सेफ है। शहबाज सुन रहे हैं आप? सही है, तो कहीं पर भी आपकी बात से यह ना लगे कि आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा जो है ना वो क्लेम कर रहे हैं या गुफ्तगु उस पर हो रही है, ठीक है, ये एक इन्वेंट्री वाला पॉइंट आ गया। बहुत देखिए मैं बहुत सिंपलीफाइड करके लिखा, इसमें देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट दिस डाउन, फॉर एग्जांपल एनआरवी माइट फॉल बिलो इट्स कॉस्ट, ठीक है, दैट्स आल्सो अ वे टू राइट रिस्क, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री माइट फॉल बिलो इट्स कॉस्ट एंड मे नॉट बी वैल्यूड एज सच, ये बात तरीका लिख सकते हैं, अंग्रेजी आपके ऊपर नीचे हो सकती है बट आप अपनी बात को इस तरह से मेंशन करें। फिर इंपेयरमेंट की लोगों ने बात की थी, इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट के लिए हमारे पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? एक तो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, जरा मुवाहिद का देख लेते हैं, बड़ा अच्छा नाम है आपका मुवाहिद, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग फंड्स आर यूज्ड इन कैपेक्स रादर देन टू पेमेंट क्रेडिटर व्हिच गिव राइज टू क्रेडिटर डेज, व्हिच गिव राइज टू क्रेडिटर डेज,
डेटर से हमारे 61 है, जब कोई डेटर से तो हम टाइम भी रिकवरी कर रहे हैं, तो ये हम वाहिद हमेशा ये सोचे कि आपका रिस्क क्या बन रहा है, इसमें रिस्क क्रेडिटर डेज का बढ़ना है, रिस्क है? आई डोंट थिंक सो। एफएस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? रिस्क यहाँ पे है कि मैनिपुलेशन होगी एफएस की, तो वो हमने लिखा यहाँ पे। आप ये बात को अगर आप चाहते हैं कि कंपनी सीकिंग फाइनेंस टू फंड इट्स कैपेक्स एंड इज एंड स्ट्रगलिंग, ये बात यहाँ पे एज अ रिस्क फैक्टर आ सकती है, स्ट्रगलिंग टू मीट डेटर पेमेंट टर्म्स दैट इज 40 डेज वर्सेस एक्चुअल 61 डेज, लेट्स गो। ठीक है, ये इनफैक्ट यहाँ पे आप and is struggling to meet, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात आ सकते हैं as a risk factor, but आपको हमेशा ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपका जो जुमला है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो आए। सो हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट के अंदर आप बोलेंगे कि भाई डिले इन फाइनेंसिंग हो रही है, डिले इन प्लांट कंप्लीशन ड्यू टू फाइनेंसिंग इश्यूज। डिले से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाती है, डिले से हमेशा कॉस्ट बढ़ती है, सही है, तो डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, और ड्यू टू मेजर फाइनेंसिंग इश्यूज, ये दो बातें इसमें आ गई ना, डिले इन कंप्लीशन हो रहा है और उसकी जो वजह है वो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसिंग है। अब जो रिस्क आएगा वो क्या लिखेंगे बताएं? रिस्क, देयर इज अ रिस्क दैट रिस्क क्या है इसमें? इंपेयरमेंट में रिस्क क्या बनेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस विल बिकम द बिजनेस रिस्क। आप जरूर मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने जो बिजनेस रिस्क के साथ ऑडिट रिस्क का जो ताल्लुक है मैंने अलग किया है। हाँ, रिस्क दैट फर्दर इम्पेयरमेंट ऑन प्लांट मे नॉट बी रिकॉर्डेड, ये वाली बात, ठीक है। इसमें आप ये भी बात डाल सकते हैं कि देखें यहाँ पे हमारे पास ठीक है जी, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट टेस्ट परफॉर्म नहीं किया हुआ हो ये रिस्क नहीं है। रिस्क हमारा ये है कि रिस्क दैट फर्दर इम्पेयरमेंट, अच्छा फर्दर इम्पेयरमेंट या एडिशनल इम्पेयरमेंट भी आप कह लें, इसका वर्ड लिखना इसलिए भी जरूरी है कि पुरानी वाली इम्पेयरमेंट तो रिकॉर्ड उसने लास्ट ईयर कर दी है, ठीक है, और एडिशनल इम्पेयरमेंट आएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन द सिचुएशन, डिले आ रहा है एंड प्लस वाइल गैस इज स्टिल नॉट अवेलेबल, और हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम गैस क्या कहते हैं, कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, फ्रॉम गैस टू कोल, गैस टू कोल कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा, तो इसके में डिले आ रहा है, तो ये सारी बातें मिला के हमें फर्दर इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर देती हैं, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी होता है कि और फर्दर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एज प्लांट might fall below, क्या लिखा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही है, might fall below, ठीक है, might fall below its carrying amount, which may not be recorded, सही है, इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है। ठीक हो गया जी, समझ में आती है बात। अच्छा, अब इसके अलावा हमने कितने रिस्क बना दिए जी, 1 2 3 4 5 6
इसमें एक और पॉइंट भी आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीज, के अगर हम डिले कर रहे हैं तो हो सकता है क्रेडिटर्स की तरफ से पेनल्टीज भी आ जाएं, डिले इन पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स अब यहाँ पे जो रिस्क आएगा वो क्या आएगा, रिस्क दैट पेनल्टीज मे नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज्ड, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये बात हमने कर दी। इसके अलावा IFRS 8 का एक वीक रिस्क है वैसे मैं बताऊं, क्योंकि ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है, नया सेगमेंट नहीं आया, ठीक है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि अपने लेक्चर्स के अंदर भी कि अब जब आपको नई चीज आती है ना जो इस साल की होती है वो आपको रिस्क लेके आती है। एक सेगमेंट रिपोर्टिंग वो पहले से करते आ रहे हैं आई एम अज्यूमिंग, तो वो इस साल का रिस्क नहीं है, सही है, क्योंकि वो तो सेगमेंट को नया अगर ऐड हुआ होता या पुराना जा रहा होता तो शायद उसकी वजह से यानी कुछ ना कुछ होता। अदरवाइज IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग का भी रिस्क बन सकता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इट्स अ वीक रिस्क, ठीक है। थ्री सेगमेंट, ठीक है, और अगर मैं हूं तो शायद मैं ना बना रहा हूं, बट मैं इसको वीक सेगमेंट वीक रिस्क बना रहा हूं, रिस्क दैट सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, डिस्क्लोजर्स है ना, have not been made an FSC adequately. Adequately is a word. सही है जी। So yeah, with this हमने इस सवाल का जो risk वाला part है, in fact अच्छा, all these points are in point of error or fraud. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, एरर या फ्रॉड है, बताइए जरा। फर्स्ट पॉइंट, एरर को मैं कह देता हूं ये, ठीक है, ये एरर है, ये एरर है या फ्रॉड है, ये एरर की बुनियाद पे खड़ा हुआ है या फ्रॉड की बुनियाद पे खड़ा हुआ, डिफर्ट एसेट की बात कर रहे हैं, बताएं ये एरर या फ्रॉड है, जरा सोच के बताएं। अच्छा, डेफर्ड एसेट जो है ना वो एक एस्टिमेट है, और एस्टिमेट ये है कि अगले 5 सालों में हमारे प्रॉफिट्स कैसे होंगे। हो सकता है वो आपको ऐसी प्रोजेक्शन दिखाए, वो आपको प्रोसीजर के अंदर है, वो आप जब ये मांगेंगे तो आप बोलेंगे मुझे बताओ कि अगले 5 साल के प्रोजेक्शन है क्या फ्लेक्सिबल प्रॉफिट की, तो उसमें वो अगर उनकी नीयत खराब हुई तो वो अनरीजनेबल assumptions और इस तरह की चीज़ों के जरिए से, और कुछ यू नो आप फ्रॉड भी कर सकते हैं, फ्रॉड की इंटेंशन से भी कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ रूम अवेलेबल हेयर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एस्टिमेट के अंदर कुछ जेन्युइन एरर भी हो जाए, तो ये दोनों के तौर पे कैटेगराइज हो सकता है। अगर मैं दोनों के हिसाब से मैं कहूँ तो मैं ग्रीन कर दूँ, ठीक है, एरर और फ्रॉड दोनों, क्योंकि जजमेंट है, जजमेंट के अंदर गलती भी हो सकती है और फ्रॉड भी पॉसिबल हो सकता है, ये बात समझ में आती ना। यहाँ पे बताएं जी ये क्या है, एरर है या फ्रॉड है, वैसे तो ये दोनों हो सकता है लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रॉड की तरफ जाएगा, और ऊपर वाली बात में भी दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्रॉड ये है कि आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर है टू नॉट डिस्क्लोज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो डंडी मार सकते हैं इस मामले में, तो यहाँ पर भी जो रिस्क है वो फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर जा रहा होगा। लोग एरर की बुनियाद के ऊपर शायद डिस्क्लोज करना है ना करना, दैट विल नॉट बी एन इशू, कि भाई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें डिस्क्लोज क्या करना चाहिए, ये बात जानना और सोचना इतना मुश्किल काम नहीं है,
लेकिन बाद मुश्किल काम यह है कि आई हैव अ प्रेशर नॉट टू डिस्क्लोज, तो ये कहीं ना कहीं मैं फ्रॉड की तरफ ज्यादा लेके जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको एरर की तरफ ना ले जा रहा हूँ कम। तो मेरे रंगों में बड़ा मसला है, कौन सा रंग है, पिंक, पिंक तो नहीं है, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है जी। ये कौन सा है, फ्रॉड है, और ये एरर है, चलो जी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी, ये कौन सा है, ये कौन सा फ्रॉड है, एरर है, ये फ्रॉड है, ठीक हो गया जी। ये क्या है, एरर है, फ्रॉड है, यहाँ पे एरर की तरफ लेके जा सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। ये क्या है जी, ये भी एरर हो सकता है, ठीक है। हालांकि आप देखो ना, आप जहां पे इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो फ्रॉड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर वो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करे, दिखाए ना, बट ये लेकिन बहरहाल एरर के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। ये भी एरर हो सकता है, ठीक है जी, ये भी एक एरर हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है, डिपेंड करता है कि, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको एज अ प्रेशर, कंपनी अगर प्रेशर के तौर पे ले रही है तो हाँ डेफिनेटली तो उसको फ्रॉड में भी कन्वर्ट हो सकता है। Somebody might not record an impairment and might make a, you know, manipulative valuation report और कहे कि नहीं यार हमारे तो NRV ऊपर है, हमारे तो recoverable amount ऊपर है, तो ये भी पॉसिबल है। बट यू नो थोड़ा सा इसको देखने के लिए कि हाँ कि जनरली कहाँ पे क्या चीज़ फॉल करेगी। सो विद दिस हमने एक और चीज़ जो हमने देखनी होती है हमेशा, वो ये है कि हमारे सारे रिस्क फैक्टर्स काम में आ गए जी, बिल्कुल सारे रिस्क फैक्टर्स काम में आ गए, ठीक है। तो मैं इसको, सर मैं एक चीज सोच रहा था कि आपने क्रेडिटर की पेनल्टीज को कंसीडर किया है, ब्रीच ऑफ उनका डेज हो सकता है कि जैसे उन्होंने अपने 40 डेज थे तो उनसे ऊपर ओवर एंड अबव, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लॉस ऑफ क्रेडिटर हो जाए, क्रेडिटर छोड़ दें, वो कहें कि भाई ये तो कंपनी हमें पैसे नहीं देना चाह रही, तो हम हमारे क्रेडिटर भी तो हमें छोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो ये भी है, बट वो मेरा ऑडिट टेस्ट नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बिजनेस जी सर, वो वाली बात है, ठीक है दोस्तों। सो विद दिस 3:15 हो चुके हैं मेरे ख्याल में, विद दिस लेट्स कंक्लूड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा मुलाकात करते हैं। सर एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड डीटीए रिस्क टू लिंक रिस्क विद, क्या मतलब इंक्लूड डॉलर्स ऑफ एसेट एंड डीटीए रिस्क टू लिंक रिस्क विद एफएस, समझा नहीं मैं आपकी बात जैनब जी, सवाल पूछें, पूछ रहे को कुछ सर, ये जो अब ऑनलाइन ऑनलाइन कह रहा हूँ, ये अब लैपटॉप सर हमें जो एग्जाम्स देने पड़ेंगे, इसके लिए अभी से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, किस तरह करें, लाइक एक्सेल में अब क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, जी, जो जी, भी बिल्कुल, आप बिल्कुल। जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना आप, आपको ऑनलाइन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये मामला जाएगा इसी तरफ ना, तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं प्रैक्टिस आप ऑनलाइन करें, आप करें, ताकि आपकी वो आप, आपको एक एडिशनल स्किल भी आपको चाहिए कि आप, आपको लिखना भी उस पे तरीके से आना चाहिए। लेकिन सर अभी तो हमने पेपर दिसंबर अटेम्प्ट में वैसे ही देने हैं, तो कैसे कर सकते हैं दोनों चीजें, दिसंबर अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, देखें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जून 23 में भी देने वाले हैं, हाँ तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी दिसंबर में आप जो दे रहे हैं वो तो मसला नहीं है, वो तो एग्जाम से उसके बाद फिर। लेकिन सर ये बहुत बीच में आके आईकैप ने ये बात बताई है कि अब फॉर एग्जांपल हमारी पहली अटेम्प्ट अगर दिसंबर में बन रही है तो दिसंबर 23 में माइट बी पॉसिबल कि हमारे कुछ पेपर हों, तो कुछ हम वैसे दे रहे होंगे कुछ ऐसे दे रहे होंगे, ये अच्छा नहीं था कि आप कैफ लेवल के बच्चों से ये चीज ट्राई करते और उनको ट्रेन करके लाते तो वो ज्यादा ट्रेन होते इस चीज की तरफ। कैफ लेवल के बच्चे नहीं, असल में देखें अब ये वो आपने पॉलिसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कैफ लेवल के बच्चे जो है ना उनके पास लैपटॉप्स भी कम ही होते हैं, उनके पास चीजें कम होती हैं इस तरह से कंपेयर टू फॉर्म लेवल के बच्चे, उनके फॉर्म बहुत सारे बच्चे फॉर्म के में आके उनको लैपटॉप्स जो है ना उनको अवेलेबल होते हैं, जनरली लोग घर पर डेस्कटॉप में भी इस्तेमाल, अब तो खैर ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक बात है कि यानी लैपटॉप की अवेलेबिलिटी बहुत सारे घरों में इस तरह से होती भी नहीं है, तो वो बेहतर हमेशा टेस्ट करने का ऊपर वाला एरिया ही होता है जहाँ पे ज्यादा एक्सेस टू लैपटॉप या यू नो रिसोर्सेज है, और जाहिर है कहीं ना कहीं तो देखो चेंज होना है ना, अब ये ग्लोबली भी ये ट्रेंड मूव हो गया है टुवर्ड्स ऑनलाइन, इसके फायदे भी हैं और डेफिनेटली थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस अंडरस्टैंड करता है कि यार एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा थोड़ा सा,
लेकिन ये है कि जिन लोगों ने once you begin to get the hang of it, तो इशू नहीं होगा. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि कंफर्टेबल है ही लैपटॉप पे, स्पेशली ऑडिट टाइप के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, क्योंकि वो अब लिखने की आदत ही खत्म हो गई वैसे फॉर्म में काम करते करते और जॉब में काम करते करते. सो ये थोड़ा बहुत है, एडजस्टमेंट फैक्टर है, उसके लिए भी हमारे एक साल है. ऑफकोर्स इस टाइम में तो नहीं है. सो अभी अगर इस टाइम में आपका ज्यादा रिटन एग्जाम्स का ही है, उसी पे फोकस करें, उसी हिसाब से तैयारी करें. इंशाल्लाह उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे खुदा हिम्मत भी देगा, स्किल भी इंशाल्लाह पैदा हो जाएगी. आप सर इसका मतलब इंडिकेशन है कि हमें दो अटेम्प्ट में पेपर निकाल देने चाहिए? बिल्कुल निकालने हैं, बिल्कुल अगर बिल्कुल निकालने हैं, इफ यू वांट टू अवॉइड दैट. अदरवाइज हम दफ्तर में पूरा दिन काम करते हैं, कोई मसला नहीं होता. थोड़ा सी आपको और थोड़ा सा इस पे फोकस लिए करना पड़ेगा ताकि आपकी चीजें वगैरह आपका हाथ इसके ऊपर सेट हो जाए, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा. दुनिया तब्दील हो रही बड़ी तेजी से. That may be, I don't know. समझा नहीं मैं क्या बात हो रही है. In DTA, in DTA point we wrote sufficient profits may not be available to recover DTA. ठीक है. It means it is overstatement of asset. Yes, it is overstatement of deferred tax asset. बिकॉज उतना एसेट अगर आपको रिकवर नहीं हो रहा, देखो एसेट इवेंचुअली क्या होता है, फ्रेमवर्क के डेफिनेशन के हिसाब से जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है ना, इट्स अ रिसोर्स दैट यू कंट्रोल और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना होता है. अब एक चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नजर नहीं आ रहा है आपको मिलेगा, बिकॉज इसका इकोनॉमिक बेनिफिट टाइड अप है विद फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट से. तो वो अगर नहीं मिलेंगे तो इस एसेट का जो हमने खड़ा किया अपनी बुक्स में उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो फिर वो एसेट को रिकॉर्ड करने का जवाब खत्म हो जाता है. ठीक है, चलें, जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच अली, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं. लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे को. और स्टैंडर्ड्स का क्या बताते हैं? वो तो आईकैप ने दिया है ना, कौन सी जो गाइडेंस में क्या लिखा हुआ है, 2000 आई थिंक मुझे याद पड़ा 18-19 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ. एक मिनट रुक जाओ, उस पर मैंने भी शेयर भी किया था ना ये ग्रुप के ऊपर कि हमारे पास दिसंबर में आईकैप की तरफ से कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल होंगे, वही यूज करें. मैं देख के दोबारा भेजता हूँ, चले देख. चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह. ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी LMS के ऊपर.